पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नगर पालिका निगम चिरमिरी के अंतर्गत आने वाला डोमन हिल से लक्ष्मण झरिया मार्ग को देखने से लगता है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार होने के बावजूद भी इस मार्ग की हालत काफी खराब है। जबकि इस क्षेत्र में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के बावजूद भी इस मार्ग पर किसी की नजर नहीं पड़ी। बताया जाता है कि वन विभाग के चलते इस मार्ग का काम रुका पड़ा है। पता नहीं कब तक इस मार्ग पर रोलर दौड़ेगा या नहीं, ये तो समय ही बताएगा, जिसके चलते आज आम नागरिकों को इस मार्ग में चलना काफी दर्द भरा होता जा रहा है। इस ओर न ही नगर पालिका का ध्यान जाता है और न ही प्रदेश सरकार का। बड़े बड़े वादे करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कई विकास कार्य किए, परंतु इस क्षेत्र के मार्गों की हालत को देखने से अनुमान लगाया जा सकता है कि पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास किए हैं, जिसके चलते आम नागरिक मजबूरन कष्टदायक मार्गों में आना जाना करना पड़ रहा है, जहां पर बड़े बड़े गड्ढे जानलेवा बन चुके हैं जो कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। उसके बावजूद भी इस मार्ग पर नगर पालिका निगम चिरमिरी द्वारा अगर कुछ विकास कार्य किए होते तो इस मार्ग की हालत कुछ और होती, परंतु महापौर ने इस मार्ग पर कभी भी अपनी कृपा दृष्टि न बनाने के कारण गोल गोल बात कर जनता को गुमराह करते आए हैं। ये क्षेत्र कॉलरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है या वन विभाग के अंतर्गत आता है या नगर पालिका निगम चिरमिरी के अंतर्गत आता है, आज तक इसका भी कोई निर्णय नहीं हो पाया है कि इस मार्ग का माई बाप कौन है, जिसके चलते दर्द भरे मार्ग पर चलने पर जनता विवश हो चुकी है। अब देखना तो यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के विधायक आने पर इस क्षेत्र के मार्गों की हालत को कितनी जल्दी सुधारा जाता है, ये तो समय ही बताएगा।